अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, पर उसके बाद पोएट्री करेंगे। क्या स्टोरी ये है कि एक मेडिकल की दुकान है, क्या है, मेडिकल की शॉप है, उसी के पास में एक दूध की डेयरी है। अब तुम्हारे जैसा या मेरे जैसा कह लो, एक खड़ूस सा बूढ़ा था, कौन था, खड़ूस सा बूढ़ा, जो उस मेडिकल पे सुबह 7 बजे, कितनी बजे, सुबह 7 बजे उस मेडिकल पे जाके डेली एक चीज पूछता, भैया दही मिलेगा क्या, क्या पूछता, भैया दही मिलेगा क्या। तो मेडिकल वाला बोलता, भैया दही यहाँ नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, पास वाली दुकान पे मिलता है, और वो दुकान खुलती है 9 बजे। अब वो इंसान एक दिन आया, दूसरे दिन, अगले दिन वो इंसान फिर से वहां पे आया, मेडिकल वाला पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, वहां पे देखा वो बूढ़ा चलता हुआ आ रहा, उसके दिमाग में ये चल रहा कि ये मेरे से भाई सवाल करने वाला है। तो उसने बोला कि भैया वो दही मिलेगा क्या, बोले अंकल आपको कल तो बोला था कि दही यहां नहीं मिलता, पास वाली शॉप पे मिलता है। बोले ठीक है भैया। अगले दिन सुबह 7 बजे अगरबत्ती कर रहा है वो इंसान, फिर से वो अंकल चलते हुए आए, क्या सवाल होगा, क्या सवाल होगा, अंकल ने फिर से पूछा, भैया दही मिलेगा क्या। बोले पागल है क्या, तेरे को एक बार में समझ में नहीं आता कि यहां पे दही नहीं मिलता, यहां पे दही खाने से बीमार पड़ते, वो मेडिसिन मिलती है, दही कहां मिलेगा, बाजू की दुकान पे। पर वो नहीं समझा। अब उसने एक चीज, एक लाइन बोली कि अगर कल तूने मुझे ये चीज पूछी तो मैं तुझे बंदूक से मार दूंगा, और बंदूक येरी, किससे मार दूंगा, बंदूक से मार दूंगा और बंदूक येरी। अगले दिन वो इंसान सुबह 7 बजे पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है। अब वो अंकल आए और अंकल ने एक सवाल किया, भैया बंदूक लाए हो क्या, क्या लाए हो, बंदूक लाए हो क्या। बोले बंदूक तो नहीं है, फिर भैया दही दे दो, फिर भैया क्या दे दो। अब मैं पोएट्री करने आया हूं तो पोएट्री की बात करते हैं। तो एक अभी जस्ट लिखी थोड़ी देर पहले, कि तुम अनजान है हम अनजान है, तुम अनजान है हम अनजान है, और हम अनजान को सुनने और सुनाने आए हैं। तुम अनजान है हम अनजान है, हम अनजानों को सुनने और सुनाने आए हैं। इस प्यारे से बाग में सब अपना गुलाब खिलाने आए हैं, इस प्यारे से बाग में सब अपने गुलाब खिलाने आए हैं। दोस्त तो बहुत है हम सबके पास, दोस्त तो बहुत है हम सबके पास, बस इस महफिल में कुछ नए दोस्त बनाने आए हैं। अब प्यार वाला महीना चल रहा है तो प्यार पे नहीं बोलूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मैंने प्यार कहीं किताब से कहीं नहीं सीखा, प्यार सीखा अपनी माँ से। तो लिखता हूं कि तेरी तारीफ में लिखने बैठा एक रोज, तेरी तारीफ में लिखने बैठा एक रोज, पूरा रोज निकल गया उस रोज, पूरा रोज निकल गया उस रोज, पर एक शब्द नहीं लिख पाया मैं उस रोज, पर एक शब्द नहीं लिख पाया मैं उस रोज। तुम्हें पाने के लिए तुम्हें नहीं चाहा, तुम्हें पाने के लिए तुम्हें नहीं चाहा, तुमसे मोहब्बत करी है तुम्हें छूने के लिए तुम्हें नहीं चाहा, तुमसे मोहब्बत करी है तुम्हें छूने के लिए नहीं चाहा। तुम जान हो मेरी और सिर्फ कहने के लिए नहीं हो, तुम जान हो मेरी और सिर्फ कहने के लिए नहीं हो। बताऊं अगर तुम इजाजत दो मुझे कि तुम क्या हो, तुम मेरी ख्वाबों की परी हो, तुम परवाह हो मेरे जज्बातों की, तुम मेरे ख्वाबों की परी हो, तुम परवाह हो मेरे जज्बातों की, तुम रूह हो मेरे बदन की, तुम मुझे पसंद चाय हो, अगर मुझे पसंद चाहे तो तुम दूध हो, अगर मुझे पसंद चाहे तो तुम दूध हो, अगर मैं भगवान को मांगू तो तुम पूजा हो, अगर मैं भगवान को मांगू तो तुम पूजा हो, अगर मैं कामयाबी चाहूं तो तुम मेहनत हो, अगर मैं कामयाबी चाहूं तो तुम मेहनत हो, अगर मैं मस्ती चाहूं तो तुम दोस्त हो, अगर मैं मस्ती चाहूं तो तुम दोस्त हो, अगर मैं सुकून चाहूं तो तुम परिवार हो, अगर मैं सुकून चाहूं तो तुम परिवार हो, अगर मैं वारदात चाहूं तो तुम मेरे भाई हो, अगर मैं वारदात चाहूं तो तुम मेरे भाई हो, और अगर मैं मोहब्बत चाहूं, और अगर मैं मोहब्बत चाहूं तो वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। एक 4 लाइन की कविता सुनाता हूं फिर बैठ जाऊंगा। कैसे किसी लड़की का दिल दुखाऊं, कैसे किसी लड़की का दिल दुखाऊं, मैंने मोहब्बत अपनी मां से सीखी है। कैसे किसी लड़की का दिल दुखाऊं,
मैंने मोहब्बत अपनी माँ से सीखी है, सब कुछ सहकर भी वो सिर्फ मोहब्बत करती है, सब कुछ सहकर भी वो सिर्फ मोहब्बत करती है। बरसों पहले मेरे पापा ने दी थी कुछ बालियाँ, बरसों पहले मेरे पापा ने कुछ दी थी बालियाँ, आज भी वो वैसी की वैसी पड़ी है। और कितनी तकलीफें आई और गई, कितनी प्रॉब्लम्स आई और गई, कितनी लड़ाइयाँ हुई और गई, मेरी माँ आज भी मेरे पापा के साथ वैसी की वैसी खड़ी है। क्या कैसे किसी लड़की का दिल दुखाऊं, मैंने मोहब्बत करना अपनी माँ से सीखा है। इसकी लास्ट दो लाइनें कि कैसे किसी लड़की का दिल दुखाऊं, मैंने मोहब्बत किताब से नहीं, मैंने मोहब्बत की कोई किताब नहीं, मैंने सिर्फ अपनी माँ को पढ़ी है, मैंने सिर्फ अपनी माँ को पढ़ी। थैंक यू।